तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भगत आपका स्वागत करता हूँ भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आज बताने वाला हूँ गाइज कि अगर आपके लैपटॉप में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई भी फोल्डर या फाइल अगर कॉपी नहीं हो रहा है, कॉपी कर रहे हैं पेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है, तो आज इस वीडियो को देखिए गाइज। मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ गाइज, ये 100% वर्क करेगा। अगर आप वर्क नहीं करता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, अगर आपको वर्क नहीं करता है तो। अगर वर्क करे तो गाइज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और आज इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पे बात करते हैं, आपको जाना है यहाँ पे दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद आपको लोकल डिस्क सी में जाना है, और लोकल डिस्क सी के बाद आपको यहाँ पे विंडोज में जाना है, और फिर उसके बाद आपको सिस्टम 32 प्रेस खोजना है। तो सिस्टम 32 खोजने के लिए पहले गाइज यहाँ पे जैसे मैं एस प्रेस करता हूँ, एस प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको खोजना है RDP CLIP, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है सीधे से, और ये कुछ सेकंड लगेगा और ये आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ RDP CLIP नाम से दो फोल्डर है, तो आपको ऊपर वाला में देखना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप जो है ये आपका एप्लीकेशन है। बस इसी बात को आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से लगभग कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके बाद भी वर्क नहीं करता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे और है गाइस, यहाँ पे खोजना है DWN, और DWM खोज करके यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जैसा कि देख रहे हैं DWN में जैसे सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद कुछ सेकंड लेने के बाद इस तरीके से फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये एप्लीकेशन है, और ये अप्रॉक्स 70 KB का आपको मिलता है ये। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। इसके बाद इस तरीके से आपको यस करके आगे बढ़ जाना है। तो उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये गाइज हो गया आपका आधा से ज़्यादा काम, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप इसके बाद क्या करना है, आपको इसके बाद करने के बाद आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद आप दोबारा देखना ये वर्क करेगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आइए गाइज आगे बात करते हैं क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर CMD सर्च करना है। यहाँ पर CMD सर्च करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको ओपन कर लेंगे, जो कि सिस्टम 32 में खुलेगा। और ये आ गया गाइज आपका सिस्टम 32 में। बस इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको भी बस इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसकी मदद से आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आई होप कि इस वीडियो को आप कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, अच्छे से आपको कॉपी करने में आराम होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, बस इस तरीके से आपको यहाँ इंटरप्रेस कर देना है, और जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से ये करने के बाद उसके बाद अगर भी नहीं हो तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, इस तरीके से गाइस कॉपी कर लेना है। और जैसे ही कॉपी करते हैं तो इस पर आने के बाद आपको इंटरप्रेस करना है, और यहाँ इंटरप्रेस करेंगे तो ये भी इस तरीके से हो गया। इतना करने के बाद मुझे, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ये अप्रॉक्स 8 मिनट तक टाइम ले लेगा, बिगिनिंग स्कैन सिस्टम जो है गाइज ये अप्रॉक्स 8 मिनट तक टाइम ले लेगा। तो आपको 8 मिनट तक हो सकता है आपको वेट करना पड़ जाए, तो मैं वेट करता हूँ तब तक जब तक होता नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं वेरिफिकेशन 0% कम्प्लीट है, ये इस तरह से 100% लेगा और काफ़ी समय ले सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके होने के बाद आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट मारें, और ये 100% वर्क करेगा गाइज। ये अगर नहीं करे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं गाइज। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें गाइज, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।